Fantasy and the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. समय नहीं लेता हूं और आप सबके एक्साइटमेंट के बीच आपके जोरदार क्लैपिंग, इस तरह से आप जहां भी बैठे हैं फिजिकल क्लैपिंग करें और आप डिजिटल क्लैपिंग भी कर सकते हैं इस जूम के सेशन में। तो मैं आमंत्रित करता हूं एक बहुत ही शानदार लीडर जो आज अपनी बातों से और अपने एक्सपीरियंस से और अपने नॉलेज से हमको नॉलेजफुल करेंगे, पावरफुल करेंगे। तो स्वागत के लिए तैयार हो जाइए आत्माराम सर का। वेलकम सर, प्लीज सर। थैंक यू, डिजिटल स्टेज। थैंक यू सर, थैंक यू शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसी में एवरीबॉडी। एक लाइन मेरे को याद आ रही है, आप सब हंसते हुए चेहरों को, मुस्कुराते हुए चेहरों को देख के मुस्कुराइए क्योंकि आप यूएस के चैनल पे हैं, मुस्कुराइए क्योंकि आप आरसीएम वर्ल्ड में हैं। आरसीएम वर्ल्ड में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले ये लाइन लिखी होती है और वो लाइन पढ़ते ही मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे। और जैसे ही वो लाइन मैंने यहाँ बोली है, मेरे को पता है आरसीएम के सभी जांबाज साथी हम सब सच्चे सेवक हैं और हमारे चेहरे पे ये मुस्कान आ रही है। मेरी वॉइस क्लियर है शुक्ला जी? थैंक यू, पूरे देश में आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सेशन को शुरू करने से पहले मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, पर वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचेगी। जी हाँ, मेरा भी कुछ ऐसा ही रहा है। मैं भी कुछ इसी तरह से इस बिजनेस में आया, इसको शुरू किया और इस बिजनेस में आने की मेरी कहानी थोड़ी रोचक है। और देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का एकमात्र इकलौता ऐसा प्रोफेशन है जहां हम बाई चॉइस नहीं आते हैं, बाई चांस आते हैं। देखिए, हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, हम कोई बिजनेस करते हैं, कोई मान लो जैसे मैं पहले दूध बेचता था तो मैंने मेरी मर्जी से किया, मैं किराना शॉप पे नौकरी करता था मैंने मेरी मर्जी से किया, लेकिन आरसीएम बिजनेस को मैंने मेरी मर्जी से नहीं किया। इसको मैंने माई चॉइस नहीं किया था, ये मेरी जिंदगी में बाई चांस आया था। मेरी चॉइस नहीं थी, ना ही मेरे को पता था कि ऐसा कोई सिस्टम है, तो ये बाई चांस आया था। और आपकी जिंदगी में भी आरसीएम आया है तो बाई चांस आया है, बाई चॉइस नहीं आया है। किसी आदमी ने आपको आके बोला होगा, आपको ज्वाइन करवाया होगा और इसी तरह सबकी जर्नी स्टार्ट होती है। मेरी भी जर्नी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई, एक दोस्त ने मुझे इस बिजनेस के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था और उस दोस्त का मैं इस जन्म में तो क्या, जब भी मैं जन्म लूंगा उसका शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसने मेरे को जिस बिजनेस में लाया वो बिजनेस ने मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। हाँ, थोड़ी मेरी जिंदगी की जो जर्नी है वो नॉट सो इजी, द जर्नी नॉट सो इजी, मेरी जिंदगी की कहानी थोड़ी सी है वो रोचक है। और सारे साथी मेरे को जब भी, अभी अभी जस्ट महावीर जी का फोन आया, बीसी सर का फोन आया, कदम जी का फोन आया, उन्होंने मेरे को बोला कि आप अपनी कहानी जरूर सुनाना। सबसे पहले तो मैं सबका 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 यूएस की तमाम कोर लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ आने के लिए मौका दिया, यहाँ बोलने का मौका दिया और पूरे इंडिया से आप लोगों के साथ रूबरू होने का ये मौका दिया। मैं जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मेरे दो सपने थे। पहला सपना था रॉयल्टी, क्योंकि बीसी सर हमेशा एक ही बात कहते थे, ये बिजनेस रॉयल्टी के लिए बना है, ये बिजनेस को अगर आप करते हैं तो रॉयल्टी आपका सपना होना चाहिए। और मैं आज भी ये कहता हूँ, मिशन 2000 रॉयल्टी। जी हाँ, ये मिशन है और मिशन को कभी कमीशन के लिए नहीं किया जाता है। टीसी सर अक्सर एक बात कहते हैं, मैं आदरणीय टीसी सर का, बीसी सर का, एंटायर कोर टीम का, मेरे अपलाइन गुरुदेव इंद्राज जी बैड और श्री राजाराम जी सारण, विजेंद्र जी, मुकेश जी, प्रहलाद जी, सभी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे को इस नाचीज को आप सब लोगों के बीच में आने का मौका दिया। मिशन 2000 रॉयल्टी क्या है दोस्त? मिशन 2000 रॉयल्टी बीसी सर का एक मिशन है और मैंने अक्सर देखा है बीसी सर जिस भी चीज को मिशन बनाते हैं ना उसको पूरा करते हैं। बीसी सर ने एक जमाने में बोला था कि 1 करोड़ लोगों को कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है, और वो 1 करोड़ नहीं, आज 3 करोड़ तक पहुंच गया है कारवां। तो ये मिशन 2000 रॉयल्टी अचीव है, ये 2000 रॉयल्टी का तो ये तो मिशन अभी सितंबर की क्लोजिंग में पूरा हो जाएगा। लेकिन बीसी सर का, अभी मैं 2 दिन जम्मू में बीसी सर के साथ में था तो बीसी सर ने कहा कि मेरा सपना है कि आरसीएम का हर डिस्ट्रीब्यूटर रॉयल्टी अचीव करे। और मैं आपको कहूंगा कि आप रॉयल्टी के लिए काम करें। मैंने इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया तो मेरा पहला सपना था कि मैं रॉयल्टी अचीव करूं, और वो सपना पूरा करने में मुझे लगभग 30 महीने लगे, 2.5 साल लगे, स्ट्रगल रहा, लेकिन मेरा वो सपना पूरा हुआ। हाँ, वो सपना देखा था तो बहुत सारी मुश्किलें आई थी, बहुत सारे चैलेंजेज आए, बाधाएं आई, लेकिन वो सपने को
पूरा करने में आरसीएम ने, डीसी सर ने, टीसी सर ने, राजराम जी ने, इंदिराज जी ने और पूरी इंटायर कोर टीम ने और पूरे सभी साथियों ने मेरे को सहयोग किया। दूसरा सपना था इस नेशनल प्लेटफार्म पे आने का। जब भी एनिवर्सरी में जाता था, जब भी विलड़ा अकेडमी में जाता था, एक सपना होता था कि यार मेरे को मौका मिले, कभी मैं लोगों के सामने बोल पाऊं। उस सपने को पूरा होने में थोड़ा ज्यादा समय लगा। रॉयल्टी का सपना 2.5 साल में पूरा हुआ। इस सपने को पूरा करने में मुझे लगभग 19 साल लगे सर। 19 साल बाद आज ये मेरा सपना पूरा हुआ और उसके लिए मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम आत्माराम है साहब, राजस्थान के श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से, जो अभी अनूपगढ़ में आ गया है मेरा शहर रायसिंह नगर, तो यहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। जब मैं 2 साल का था, दुनिया से मेरी माँ चली गई। मेरे पिताजी ने पाल पोस के मुझे बड़ा किया। माँ का प्यार, पिता का प्यार, जो कुछ भी वो मेरे लिए कर सकते थे वो उन्होंने किया। मेरी पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं हुई है साहब। मैं 9वीं क्लास तक गांव के गवर्नमेंट हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। 9वीं क्लास तक की पढ़ाई करने के बाद में मैं बीमार हो गया। साथ में मैं पढ़ाई कर रहा था क्योंकि मेरा एक सपना था कि मेरे को बड़ा होके अमीर आदमी बनना है, डॉक्टर बनना है। लेकिन बीमार हो गया, दवाई के पैसे भी नहीं थे तो दवाई का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने एक किराना शॉप पे नौकरी कर ली एक दूसरी जगह जाके 400 रुपये महीना में। 6 महीने नौकरी करने के बाद मुझे लगा यार यहाँ से तो मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये मालिक तो मुझे 400 देगा, ज़्यादा करूँगा तो 800 दे देगा, लेकिन सपना पूरा नहीं होगा, क्यों ना मैं अपना काम करूँ। और मैंने अपना काम स्टार्ट करने के लिए, एक सामने एक डॉक्टर होते थे हमारे, उनसे मैंने बात की और उन्होंने मेरे को डॉक्टरी सिखा दी। मैं झोला छाप डॉक्टर बन गया और मेरा बचपन का सपना भी पढ़ता था तब डॉक्टर बनने का था, तो पढ़ लिख के डॉक्टर नहीं बन पाया, लेकिन एक डॉक्टर की संगत से मैं एक झोला छाप डॉक्टर बन गया। उसके बाद में मैं एक और डॉक्टर के पास आ गया। मेरे पिताजी को लगा अब लड़का पैरों पे खड़ा हो गया, तो 11 जून 1995 को उन्होंने मेरी शादी कर दी एक लड़की जिसका नाम कमला है और वो मेरी जीवन संगिनी है। और कुछ उसके फोटोज है मैं आपको दिखा पाऊँ तो, उस शादी के 11 जून 1995 को मेरी शादी हुई और शादी मेरी कर दी। ये मेरी फोटो है साहब शादी के दिन की। ज़्यादा फोटोज नहीं है मेरे पास में क्योंकि मेरे पास उस समय कोई कैमरा वगैरह नहीं होता था। ये फोटो है, ये मैं हूँ, ये मेरी शादी हुई, ये मेरी शादी थी, मैं बस में बैठ के गया था, ये मैं हूँ, ये मेरे परिवार के दूसरे लोग हैं, ये मैं घूंघट के अंदर मेरी बीवी है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं जिस दिन मेरी शादी हो रही थी उस दिन मैं सोच रहा था यार थोड़ी सी झलक दिख जाए, क्योंकि यहाँ तक मैं झलक नहीं देख पाया था, मेरे को पता नहीं था कैसी है। तो जमाना था सर, ये मैं हूँ, ये मेरा घर है सर। जब मैं रॉयल्टी आ गया था तो मेरा एक सपना था, मेरे बेटा था, हुआ था, युवराज नाम है उसका, अभी वो 20 साल का हो गया है। तो मेरा सपना था कि उसका मैं बर्थडे अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट करूं, क्योंकि जब वो पैदा हुआ था मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था। तो ये नवंबर 2005 में उसी दिन मैंने आरसीएम से कार खरीदी थी और उसी दिन मैंने उसकी पार्टी की थी गाँव में। ये मेरा गाँव का कच्चा घर है सर। कई लोग मेरे को बोलते हैं सर आप बताते हो लेकिन कभी देखा नहीं है, तो बीसी सर कहते हैं कि एक पिक्चर 1000 शब्दों के बराबर है। ये मेरा बैकग्राउंड है, ये गांव का मेरा घर, ये मैं जब आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी आया तब का है। तो इस तरह मेरी जर्नी इस बिजनेस में स्टार्ट हुई। मैं जब बीमार हुआ तो मैं किराना शॉप पे चला गया, वहां से मैं झोला छाप डॉक्टरी करने लग गया। झोला छाप डॉक्टरी करते करते मेरी शादी हो गई। शादी के बाद में मैं गाँव में आके प्रैक्टिस करने लगा। तभी राजस्थान सरकार ने कुछ ऐसा सर्कुलर निकाला कि भाई झोला छाप डॉक्टर है ना वो गड़बड़ कर रहे हैं, उनको बंद करो। तो मेरे पिताजी ने कहा कि कभी कोई कहीं फंस जाएगा, खेती किसानी का काम करते थे वो, उन्होंने कहा तुम भी खेती किसानी कर। तो मैं बोला खेती किसानी से आपका ही पेट नहीं भरता है, मैं क्या करूँगा। तो मेरे पिताजी ने कहा कि देख ऐसा है, जिंदगी में मौका मिले तो अमीर जरूर बनना, लेकिन कोई काम ऐसा करना जिसमें किसी दूसरे का बुरा ना हो। और रही बात खेती करने की, तो बेटा अपन गरीब लोग हैं, अपनी किस्मत में अमीरी नहीं लिखी हुई है। खेती करके पेट मैंने पाला है, पेट तुम भी पाल लेना, दोनों हाथों से कमा के खाना, कभी भूखा तो नहीं मरेगा। अब उस समय मेरी मजबूरी थी कि मुझे हाँ बोलना था और पिताजी के साथ खेती में सहयोग करने लगा। अचानक पता चला एक दिन, 1-2 साल हुए थे पिताजी को कैंसर हो गया और वो 6 महीने में चल बसे। पहले एक गाइड करने वाला था, एक मेंटर था, अब वो भी नहीं रहा, सारी जिम्मेवारी घर की बीवी बच्चों के सिर पे आ गई। उसके बाद में मैंने खेती करना शुरू किया तो वो खेती में लोगों ने जमीनें वगैरह हिस्से पे जो लेते थे पिताजी वो दी नहीं, तो खेती छूट गई। उसके बाद में कर्जा हो गया, आदमी जब कोई इनकम का सोर्स नहीं होता है तो कुछ तो करता है ना सर, कर्जा हो गया। एक दोस्त ने मेरे को आके एक दिन सलाह दी कि ये कर्ज से आप कब तक बैठे रहोगे,
कब तक कर्ज लेके जिंदगी जियोगे, कोई काम क्यों नहीं करते। और उसकी सलाह पे मैंने दूध बेचना शुरू किया। दूध बेचते बेचते एक दिन एक दोस्त का फोन आया और उसने मुझे कहा, क्या मैं आपको एक फ्री का बिजनेस बताता, मैं हिंदुस्तानी आदमी हूँ सर, और हिंदुस्तानी आदमी को एक चीज चाहिए होती है, फ्री। फ्री में उसको कुछ भी मिले ना वो लेने को तैयार रहता है। मैं ऐसा कई बार मजाक में बोलता हूँ, फ्री में तो जहर मिले तो भी हम ले लेते हैं, ले लेता हूँ यार, चलो अपने नहीं तो पड़ोसी के काम आ जाएगा, ऐसा कुछ। मैं चला गया उसके पास, उसने जाते ही मेरे को आरसीएम का प्लान दिखाया। प्लान में मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। उसने मेरे को एक किट दी जिसमें तीन जोड़ी कपड़े थे, ये बात 18 सितंबर 2002 की है। उसने तीन जोड़ी कपड़े दिखाए, मैंने कहा चलो दे दो, तो वो कहता है लाओ 1260 रुपए दो। उस समय किट 1260 रुपए की आती थी। मैंने कहा यार आपने तो फ्री बोला था, 1260 तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं तो दूध बेच के 2000 महीने के कमाता हूं, और 2000 रुपए महीना कमाने वाला 1260 रुपए जेब में नहीं लेके चल सकता है। तो वो कहता है नहीं, कपड़ा फ्री में दे रहा हूं, बिजनेस कपड़ा पैसे ले रहा हूं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको फ्री में दे रहा हूं। मैंने कहा फिर आपकी अपने पास ही रखो अपॉर्चुनिटी, मेरे को नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं। मैंने कहा करना क्या पड़ेगा? बोला एक कपड़ा पहनना होगा और आपको अच्छा लगे तो लोगों को बताना होगा, फिर लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आपका बिजनेस होगा। मैं वहीं समझ गया जोड़ा जोड़ी का गेम है, मेंबर बनाने की कोई स्कीम है और ये बर्बाद करने के लिए आया है। मैं वहां से भागना चाहा लेकिन उसने जाने नहीं दिया। उसने चाय के बहाने मुझे रोक लिया और बोलता है मैं चाय बोल के आता हूँ, चाय पियोगे क्या? मैंने कहा हाँ चाय पी लेंगे। चाय के बहाने उसने मुझे रोका, एक चाय की दुकान सामने थी, वो बोल के आया। मैंने बोला यार चाय तो यहीं से बोल सकते थे, जाके बोलने की क्या जरूरत थी? बोला नहीं, थोड़ा अदरक वगैरह डाल के बढ़िया बना के भेजेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, बढ़िया बना के भेजेगा। चाय आई, चाय पीने लगे, इतने में कार में एक गोरा चिट्टा आदमी आया, ऑफिसर टाइप का, अगर पर्सनैलिटी से बोलूं तो जैसे व्हाट्सएप को आपने सभी ने देखा है, व्हाट्सएप जैसी पर्सनैलिटी का आदमी आया, आके कार से उतरा, मेरे से हाथ मिलाया और बोलता है हेलो आत्माराम जी, क्या हाल चाल? मैंने कहा सर आप मेरे को कैसे जानते हो, मैं तो आपको पहली बार मुलाकात कर रहा हूँ। बोला आपको क्यों नहीं, कोई नहीं क्यों नहीं जानता, आप इतना बढ़िया दूध बेचते हो। कमाल है यार, ना जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान, वो वाली बात होगी, क्योंकि आज तक जिंदगी में कभी मिले ही नहीं और ये कह रहे हैं आप इतना बढ़िया दूध बेचते हो, आपको कौन नहीं जानता। खैर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उन्होंने मेरे को बोला आत्माराम जी दूध बेच के आपका गुजारा चल जाता है क्या? मैंने कहा सर गुजारा ही चलता है, चल ही जाता है। बोले आप सिर्फ दूध बेचना चाहते हो या जिंदगी में कुछ और भी करना चाहते हो? मैंने कहा सर दूध कौन बेचना चाहता है सर, चाय बेचना दूध बेचना ये काम किसी को पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी है सर करना, पापी पेट का सवाल है, कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा अगर मैं आपको कुछ ऐसा बताऊं जिसमें आपको ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, और जो ये काम आप अभी कर रहे हो ये छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, तो क्या आप करना चाहोगे? मैंने कहा सर बिल्कुल करना चाहूंगा। उन्होंने कहा वो करने से पहले मैं आपसे एक बार एक सवाल पूछ लेना चाहता हूं। मैंने कहा सर पूछिए। बोले क्या आपका कोई सपना है, मतलब क्या आप अमीर बनना चाहते हो? मैंने कहा सर कौन आदमी है जो अमीर नहीं बनना चाहता है, हर आदमी तो अमीर बनना चाहता है, गरीब कौन रहना चाहता है भाई? मैंने कहा सब अमीर बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं सब नहीं बनना चाहते। मैंने कहा क्यों नहीं बनना चाहते? बोले मेरी ऑफिस के सामने एक भिखारी बैठता है, मैंने एक दिन उससे पूछा कार चाहिए, बोला हाँ दे दो। मैंने कहा काम करना पड़ेगा, बोला फिर नहीं चाहिए, फिर भीख से ही काम चल जाएगा। तो मैंने कहा काम करना पड़ेगा तब तो सारे नहीं करेंगे। बोले आप कर सकते हो क्या? मैंने कहा हाँ, अगर अमीर बनने का मौका मिले तो काम कुछ भी करना पड़े लेकिन एक नंबर का होना चाहिए। मेरे पिताजी ने बोला है कि बेईमानी नहीं करना जिंदगी में, बेईमानी वाला नहीं होना चाहिए। बोले नहीं बेईमानी की कोई गुंजाइश ही नहीं है, और अगर आपको अमीर बनना है तो आप अमीर बन सकते हो। मैंने कहा सर बताइए। तो उन्होंने मुझे एक जे पॉल गेट्टी साहब की लाइन बताई जो अक्सर मैं मीटिंगों में बोलता हूँ, इंग्लिश में उन्होंने कहा, फिर उसको हिंदी में बताया क्योंकि मैं तो नवीं पास आदमी हूं तो ज्यादा अंग्रेजी मेरे को आती नहीं है। उन्होंने कहा इफ यू वांट टू बिकम रिच फाइंड समवन हु इज रिच एंड डू ही इज डूइंग वन डे यू विल बी रिच। जे पॉल गेट्टी कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो पहले उस आदमी को ढूंढो जो अमीर है और फिर देखो वो क्या करता है और वो तुम करो, वो आप भी अमीर बन जाओ। मैंने कहा सर वो तो ठीक है लेकिन अब मेरे को कोई अमीर आदमी पहली बात तो मिलेगा क्यों, मिलेगा तो वो बताएगा क्यों? बोले वो मैं बताऊंगा। और फिर उन्होंने मेरे को आरसीएम बिजनेस का प्लान बताया। अब प्लान उन्होंने बताया, मैं फिर बता रहा हूं आपको, मेरे को प्लान फिर भी समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने एक बात बोली थी, आप जिंदगी में कभी भी आपको जैसा बनना है ना वैसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा। बोले आपने दूध बेचना किससे सीखा? मैंने कहा मेरा एक दोस्त है दूध बेचता है उससे सीखा। बोले आप डॉक्टरी करते हो, ये आपके दोस्त ने मेरे को बताया है। मैंने कहा हाँ डॉक्टरी करता हूँ। बोले किससे सीखे? मैंने कहा एक डॉक्टर से सीखा।
बोले आप उससे पहले खेती किसानी करते थे? मैंने कहा हाँ। बोले वो किससे सीखा? मैंने कहा मेरे पिताजी से। बोले वो क्या करते थे? मैंने कहा खेती किसानी करते थे। बोले इसका मतलब आप जो कुछ भी आज तक बने हो वो उस आदमी से सीखे हो जो आदमी पहले से उस काम को जानता है। मैंने कहा यस। तो बोले आप अमीर क्यों नहीं बने? मैंने कहा सर पता नहीं। बोले आज तक आपने किसी अमीर आदमी से अमीर बनना सीखा ही नहीं। स्कूल में जो टीचर्स ने आपको नौवीं क्लास तक पढ़ाया क्या वो अमीर थे? मैंने दो मिनट सोच के बोला नहीं, वो तो ठीक ठाक थे, सैलरी मिलती थी, लेकिन अमीर तो नहीं थे, क्योंकि पैदल आते थे। अमीर आदमी पैदल थोड़ी आएगा। मेरे गुरुजी तो पैदल आते थे स्कूल में, तो पैदल आएगा या साइकिल पे आएगा मोटरसाइकिल पे आएगा वो अमीर तो नहीं हो सकता है। मैंने कहा सर अमीर तो नहीं थे। बोले जिन परिवार के लोगों के साथ आप रहे, चाचा मामा बुआ मौसी फूफा फैमिली के लोगों के साथ, क्या वो अमीर थे? मैंने कहा नहीं थे। क्या आज अमीर है? नहीं है। क्या आपके दोस्त जो सर्किल आपका है उसमें कोई अमीर दोस्त है आपके? मैंने कहा नहीं है। तो बोले फिर आप अमीर कैसे बनोगे? तो मैंने कहा सर आप कैसे बताओगे मैं अमीर कैसे बनूं? आप कैसे बता सकते हो? बोले मैं ये जो बिजनेस बता रहा हूं ना आरसीएम बिजनेस, आपको इस आरसीएम बिजनेस में आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ जाएंगे जो इस बिजनेस में अमीर है, और आप उनसे सीख सकते हो, और अगर आप उनसे सीखोगे तो अमीर बन जाओगे। थोड़ा मेरे को लगा, मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ और मैंने कहा ठीक है सर मेरे को ज्वाइन करवा दीजिए। 1260 रुपए दिए, मैं ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद घर गया। घर जाते मेरी बीवी ने मेरे को बड़ा समझाया, अच्छे से प्यार से बड़ा इत्मीनान से समझाया कि ऐसी कंपनियां काम नहीं करती है, चिटफंड होता है, ये होता है, वो होता है। फिर मैंने कहा यार इसको पता नहीं है। मैं दो चार दोस्तों के पास गया, क्योंकि मेरे को लगा यार ये तो जाते ही सारे ज्वाइन कर लेंगे अमीर बनने का, तो सबको सभी पैसे के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इतना बड़ा मौका मिल रहा है कौन छोड़ेगा। दोस्तों के पास गया, उन्होंने उल्टा मेरे को समझा। मैं गया था समझाने, उन्होंने मेरे को समझा के भेज दिया। बहुत सालों के एक्सपीरियंस है, आज मैं आपको बता रहा हूं, पहली बार आप इस बिजनेस को कभी भी किसी के साथ पास लेके जाएं तो अपने एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को साथ लेके जाए। मैं नेगेटिव हो गया, घर में आके बैठ गया। मेरे दोस्त ने मुझे दो तीन दिन बाद फोन किया, क्या हाल चाल है अभी? मेरे घर में एक लैंडलाइन फोन होता था, मोबाइल उस समय नहीं होता था। उसने फोन किया, मैंने कहा यार आज तो मैं बिजी हूँ। उसने कहा आओ मिलते हैं, थोड़ा बातचीत करते हैं, कुछ आगे बिजनेस पे डिस्कस करते हैं। मैंने उसको वो महावीर जी एक बात बोलते हैं वो गोली देना, मैंने वो गोली दे दी उसको। एक महीने बाद फिर फोन आया, बोला जी मीटिंग है आ जाओ अटेंड कर लो। मैंने कहा यार आज तो मैं ससुराल जा रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ कभी उधर जा रहा हूँ, कभी गाय बीमार कभी भैंस बीमार, कभी दोस्त के साथ कभी रिश्तेदार के साथ। 6 महीने तक मैं उसको टालता रहा दोस्त। बहुत सारे लोग टालते हैं, मैं भी टाला। अगर मैं टाला और मैं यहाँ हूँ, आप टाल रहे हो, एक दिन आप भी यहाँ पहुंच जाओगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 6 महीने बाद एक दिन मेरा दोस्त मेरे घर आया, मुझे उठा के किडनैप करके मीटिंग में लेके गया। वो मीटिंग गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी की थी। उस मीटिंग में गया मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया, बड़ा फुल एकदम चार्ज हो गया और मैंने बिजनेस करना शुरू किया। मेरे को पहला चेक आया 760 रुपये का। मेरे को लगा अब तो दरवाजा खुल गया, अब तो जीरो ही लगेंगे। लेकिन थोड़े दिन बाद में चेक नहीं आया, तो मैं सोचा कंपनी इकट्ठा बेचती होगी, 3-4-5 महीने का इकट्ठा करके बेचती होगी। भी पहला चेक दे दिया, डीडी आते थे उस समय, पहला डीडी आ गया, अब इकट्ठा बेच देंगे, विश्वास हो गया बंदे को। 3-4-5 महीने तक कोई और इनकम नहीं आई, तो मैं श्रीमान राजाराम जी सारण के पास गया, जाके मैंने बोला जी आरसीएम नाम की कंपनी है। बोले हाँ, क्योंकि मेरे को पता था राजाराम जी हमारे अपलाइन में आते हैं और हमारे शहर में राजाराम जी ही इस बिजनेस को लेके आए थे। तो मैंने कहा जी आरसीएम नाम की एक कंपनी है। बोले हाँ, चलती है क्या? बोले आपको कोई डाउट है? मैंने कहा हाँ जी। पैसे वैसे आते हैं क्या? बोले हाँ। मैंने कहा मेरे को तो नहीं आते। उन्होंने मेरे से मेरे को बैठाया, चाय पिलाई, पूछा यार आपका आईडी नंबर क्या है? मैंने कहा 440898 है। वो आईडी नंबर कंपनी में फोन करके उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा जी एक लेग में तो बिजनेस हो रहा है, सेकंड लेग अभी स्टार्ट नहीं किया, दो ग्रुप यहाँ पे काम करते हैं, एक ग्रुप तो अच्छा हो गया है लेकिन सेकंड ग्रुप नहीं चल रहा है। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ बताया, फिर मैंने थोड़ा किया। उन्होंने मेरे को कहा मीटिंग में आओ, सेमिनार में आओ, कुछ किताबें पढ़ो, कुछ टेप सुनो। लेकिन मेरे को क्या, देखो हर आदमी के साथ एक चीज होती है सर, उसको यह लगता है आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बेस्ट हूं, मुझे सब मालूम है। तो मुझे भी यही लगता था कि आई एम द बेस्ट, मुझे सब कुछ मालूम है, ये मेरे को क्या बताएंगे। मीटिंग में जाता हूँ, पैसे लगते हैं, गरीब आदमी 50 रुपये 100 रुपये मीटिंग के देना हर महीने बड़ा पॉसिबल नहीं होता था मेरे लिए, मेरे को बड़ी तकलीफ होती थी। तो मैं सोचता यार मीटिंग में हर बार वही बात होती है, मीटिंग में जाके क्या करूंगा। मैं मीटिंग में नहीं जाता था, 30 रुपये का 50 रुपये का टेप आता था मैं नहीं खरीदता था, 200-250 रुपये की बुक आती थी कोई वह नहीं खरीदता था। मतलब इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए मैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता था, मेरे को लगता था मैं ऐसे ही कर दूंगा, और ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन वो गलत तरीका है। मैंने कोशिश की, बहुत सारे मतलब प्रयास किए, धीरे धीरे करके मैं नेगेटिव हो गया। मेरे को लगा यार ये बिजनेस चलता नहीं है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है।
कुछ नहीं कर रहा था। एक दिन अचानक से संयोग से मैं दूध, क्योंकि मैं एक ही मतलब मेरा शहर था और उसी शहर में महावीर जी आते थे, राधाराम जी आते थे, इंद्राज सर भी वहीं पिकअप सेंटर ले रखा था, इंद्राज सर ने वो पीयूसी चलाते थे, तो उस शहर में आपस छोटा सा सिटी है, वहां मुलाकात हो जाती थी। एक दिन मैं ऐसे ही जा रहा था और सामने से महावीर सारण मारुति 800 कार लेके आ रहे थे। मैंने उनको देखा तो मैंने कहा चलो यार 2 मिनट हाय हेलो कर लेते हैं। मैंने मोटरसाइकिल रोका, उन्होंने कार रोकी, वो बाहर निकले, मेरे को बोलते हैं क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं। बोले यार चाय पीनी है। मैंने कहा आ जाओ, अब दूध वाले के पास चाय की तो कोई कमी नहीं होती है, किसी भी होटल वाले को बोलेंगे चाय पिला देगा। चाय पीने के लिए चले गए। मुझे मालूम नहीं था कि महावीर जी का कुछ प्लान और है। चाय पीने के बाद उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, घर जाने का प्लान कर रहा हूं। बोले यार मेरे को पीलीबंगा एक शहर है, वहां पे मीटिंग करने जाना है, यार अकेला हूं, आप साथ में चलो ना मेरे। मैं उनके साथ चला गया। मैंने कहा कार में घूमने को मिलेगा, अपने को क्या दिक्कत है। मैं चला गया वहां। जैसे ही मैं हॉल में घुसा, बाहर मतलब उतरे कार से, उतरते ही महावीर जी का बड़ा जबरदस्त सम्मान हुआ। लोग फूलमालाएं पहना रहे हैं, बुके पहना रहे हैं, अंदर स्टेज पे गए, बहुत जबरदस्त। उसके बाद महावीर जी स्टेज पे गए, महावीर जी को मिनी बीसी छावड़ा जी कहते हैं हम लोग प्यार से, और महावीर जी स्टेज पे गए, उनका बड़ा सम्मान हुआ। मैं नीचे बैठा हूं, मैंने बोला यार कल परसों ये लड़का मेरे साथ ही रहता था, ये गांव में रहता था, खेत में जानवरों के लिए चारा काट के लाता था, ये करता था वो करता था, आज इसका इतना बड़ा सम्मान, अपने को कोई पूछता ही नहीं। यार ये बिजनेस तो अपने को करना पड़ेगा। मैं वापस महावीर जी से आते हुए रस्ते में पूछा क्या करूं कैसे करूं। इन्होंने मेरे को रॉबर्ट कियोसाकी का एक टेप उस समय कॉपी करने के लिए दिया, नेटवर्क मार्केटिंग के 8 फायदे उन लोगों के लिए जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। ये बिजनेस स्कूल जो बुक है उसके साथ टेप फ्री आता है, आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप उस टेप को जरूर सुनिएगा। जो भी साथी मुझे आज पहली बार सुन रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के 8 फायदे बाय रॉबर्ट कियोसाकी, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। वो टेप मैंने सुना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा यार क्या गलती कर रहा। उसके बाद में फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद में फिर मैंने थोड़े दिनों बाद अपना दिमाग लगाया। हमारा लॉजिकल माइंड जो है वो हमेशा हमारे आड़े आता है और हम हमेशा अपनी वजह से रुकते हैं। ये बिजनेस 6 महीने में हमें कामयाब कर सकता है। रॉयल्टी 6 महीने का खेल है, मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन वो 6 महीने कब आएंगे ये पता नहीं होता है। उसके बाद में मैं फिर नेगेटिव हो गया, फिर बिजनेस नहीं चला, फिर नेगेटिव हो गया, फिर बैठ गया। उसके बाद में फिर कोई मीटिंग आई, फिर मैं मीटिंग में गया, फिर चार्ज हो गया। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो एक चीज को आप लोग लिख लीजिए, एक चीज को आप लोग लिख लीजिए, आप मीटिंग सेमिनार टेप बुक किसी को भी मत छोड़िए। ये शाम को 8 बजे यूएस के चैनल पे आपका एक ही काम होना चाहिए। दिन में आप कुछ भी करें, रात को 8 बजे आप पूरी फैमिली के साथ में, पूरी टीम के साथ में आप इस चैनल पे रहें और वीडियो ऑन करके बैठें। अगर आप इस बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रो करना चाहते हैं तो यूएस के चैनल पे आप रहें। इसके अलावा हमारा 1 बजे वुमेन्स एम्पावरमेंट का प्रोग्राम चलता है, उसमें आप रहें। वुमेन्स हाइजीन चलता है, उसमें आप रहें। कीसोल का प्रोग्राम चलता है, उसमें आप रहें। ब्रांड पार्टनर के बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, उनसे आप सीखें। उसके अलावा फिजिकल मीटिंगें होती है, जैसे अभी एनिवर्सरी आ रही है हमारे पास सामने, 26 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख, जिसमें 26 तारीख को न्यूट्रीचार्ज का प्रोग्राम है, 27 तारीख को हमारी एनिवर्सरी है और 28 तारीख को बहुत ही शानदार कीसोल का फंक्शन है। इन फंक्शंस को नहीं मिस करना है। मैं इस बिजनेस में बहुत बार नेगेटिव हुआ, लेकिन मैं जब भी नेगेटिव हुआ किसी न किसी तरीके से मैं फंक्शन में पहुंच गया, और जैसे ही मैं फंक्शन में गया, प्रोग्राम में गया, मेरी बैटरी चार्ज हुई और मैं वहां से फुल एक्साइटेड हुआ और फिर आके काम शुरू किया। इस तरह मैंने 2 साल बिता दिए दोस्त। 2 साल तक इस बिजनेस को मैंने किया, टोटल इनकम मुझे आई 11,000 रुपये। 2 साल में मेरे को सिर्फ 11,000 रुपये आरसीएम से आए थे। आर्थिक स्थिति बहुत पुअर हो गई थी, फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि एक बार मेरी बच्ची स्कूल से आती है और वो रोती हुई आई। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, मैं घर में था उस समय। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, दूध का मेरा बिजनेस बंद हो चुका था, झोला छाप डॉक्टरी वोक्टरी सब बंद, खेत में कुछ हो नहीं रहा था, मतलब इतनी बुरी हालत थी कि उससे बुरी होने की संभावना ही नहीं थी, गुंजाइश ही नहीं थी। मन में कई बार सोचता था यार लोगों का कर्जा हो गया है 2-2.5 लाख रुपए का, दे नहीं पाएंगे यार, यहां से छोड़ के कहीं दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, दूसरे स्टेट से बहुत सारे लोग यहाँ आके मजदूरी करते हैं, अपन यहाँ से किसी दूसरे स्टेट में जाके मजदूरी करें या फिर क्या करेंगे, नहीं तो मरना पड़ेगा क्योंकि जीने के लिए कुछ बचा नहीं है। और ऐसी स्थिति में मेरी बेटी उस दिन रोती हुई आई, बोली पापा मेरे को स्कूल ड्रेस के लिए, मैं स्कूल में ड्रेस नहीं पहन के गई तो टीचर ने मुझे निकाल दिया। तो मैंने कहा बेटा ड्रेस पहन के जाया करो। उसने कहा नहीं पापा, मेरी ड्रेस फट गई है, पुरानी हो गई है, टीचर कहते हैं कि नई ड्रेस सिलवाओ। तो मैंने कहा बेटा बताना चाहिए था। बोला पापा मम्मी को कई बार बोला, मम्मी कहती है तेरे पापा के पास पैसे होंगे तब सिलवा।
पापा जब तक ड्रेस नहीं आएगी ना मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। वो जोर जोर से रो रही थी, तीसरी क्लास में पढ़ती थी उस समय, वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। मैंने उसका मन रखने के लिए बोला मैं जल्दी ला दूंगा। वो कहती आज ही ला के दो। मेरे को लगा यार अपने पास पैसे नहीं है, 300 रुपये किसी दोस्त से उधार मांग लेते हैं, ला देंगे। मैं 300 रुपये लेने के लिए एक दोस्त के पास गया, मोटरसाइकिल लेके सिटी में गया, उस दोस्त से मिला। उसने मेरे को बोला आत्माराम जी 35,000 रुपये आपको पहले दे रखा है मैंने, आपने 1 रुपया भी नहीं लुटाया है, कभी आप कुछ करते हो कभी आप कुछ करते हो, आरसीएम के पीछे पड़े रहते हो, काम धाम आप कुछ करते नहीं हो, जो पैसा ले लेते हो कभी लौटाने का नाम नहीं लेते हो, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। एक और दोस्त के पास गया, उसने भी कुछ वैसा बोला, तीसरे के पास जाने की दोस्त हिम्मत नहीं हुई। मन ही मन बड़ा दुखी हो रहा था, मैं मन में सोच रहा था हमारे बच्चे हमें भगवान मानते हैं, वो ये मानते हैं कि हमारे मम्मी पापा हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा बदनसीब बाप हूं जो अपनी बेटी के लिए एक जोड़ी कपड़ा नहीं ला सकता। इच्छा नहीं हो रही थी घर जाने की, बहुत दुखी हुआ। रात को देर से घर गया, सोचा बच्ची सो गई होगी, लेकिन जैसे ही घर में घुसा बच्ची दौड़ के सामने आती है, आके बोलती है पापा मेरी ड्रेस कहाँ है। दोस्त उस दिन मुंह से शब्द नहीं, आंखों से आंसू निकल गए थे। हम लोग कई बार संतोषम परम सुखम का टैग लगा के जीते हैं, लेकिन जो ये हमारा संतोष है ना दोस्त, उसकी कीमत हमारे प्रियजन चुकाते हैं। बहुत दुखी हुआ, उसने पूरी रात भर नहीं सो पाया। पत्नी ने बोला कोई ना कोई रास्ता तो होगा। अगले दिन सुबह उठा, चारों तरफ देखा, कोई विकल्प नहीं था। टीसी सर कहते हैं जब विकल्प नहीं होता है ना तब संकल्प बहुत मजबूत होता है। जब आपके सारे दरवाजे बंद हो जाए, पंडित जी ने कहा था जब आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाए, आपको लगे कि सारे दरवाजे बंद हो गए, तो भरोसा रखिएगा कुदरत आपके लिए कोई ना कोई एक दरवाजा खोलेगी, और वो दरवाजा वो होगा जिसके खुलने की शायद आपने कल्पना भी नहीं की हो। अगले दिन सुबह मैं आदरणीय राधाराम जी के पास गया, इंदिराज सर के पास गया। इंदिराज सर उस दिन गांव गए हुए थे, तो मैं राधाराम जी के पास गया। राधाराम जी को जाके मैंने सारी सिचुएशन बताई। उन्होंने एक लाइन में बोला, भारत के 25-30% लोगों की यही सिचुएशन, आप अकेले नहीं हो, और वो कभी नहीं बदलेगी जब तक आप नहीं बदलोगे। मैंने कहा सर मैं बदलने के लिए तैयार। उन्होंने कहा नहीं बदलने के लिए तैयार, 2 साल से आपको इस बिजनेस में बहुत सारी चीजें सिखाई गई है, क्या आपने एक को भी इंप्लीमेंट किया? कई बार आपको बोला गया मीटिंग में आओ, क्या आप रेगुलर मीटिंग में आते हो? मैंने कहा सर पैसे नहीं है मेरे पास। बोले मीटिंग में नहीं आओगे तो पैसे कभी होंगे ही नहीं। टेप सुनते हो? मैंने कहा नहीं सर पैसे नहीं है मेरे पास। बोले नहीं सुनोगे तो कभी पैसे वाले बनोगे नहीं। अगर आपको पैसे वाला बनना है तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। और तब उन्होंने मुझे बोला अगर आप 10,000 रुपये का सामान नहीं बेच सकते तो मेरे दरवाजे पे मत आना। बहुत दुखी हुआ था उस दिन, बड़ा दर्द हुआ था, बड़ा दुख लगा था कि यार अपलाइन को मदद करनी चाहिए, भगाना नहीं चाहिए दरवाजे से। बट वो किक थी ना, वो उनको मालूम था कि वो किक असली काम करेगी। मैं दुखी मन से वापिस आया, क्या बेच सकता हूं, बेचना तो है कुछ ना कुछ। अगर उन्होंने बोला, उन्होंने कहा 10,000 रुपये का सामान बेचो, मैं आपको रॉयल्टी आने का रास्ता बता दूंगा। रॉयल्टी सपना था दोस्त, रॉयल्टी के बगैर जिंदगी में कुछ नहीं था, सब अधूरा था। उन्होंने कहा कि अगर रॉयल्टी चाहिए तो मेरे पास आ जाओ, 10,000 का सामान बेच। मेरे पास कोई स्किल नहीं था, कोई हुनर नहीं था, कोई काबिलियत नहीं थी, आरसे में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट भी नहीं थे। मेरे को लगा चाय पत्ती में जिन घरों से दूध लाता था उन घरों में चाय बेच सकता हूं। मैंने चाय पत्ती के 2 पैकेट लिए और एक घर में ले जाके दिए और उनको थोड़ा चाय के बारे में बताया। उन्होंने चाय ले ली, मैं बड़ा खुश हुआ, एक और घर में लेके गया। यहां एक मैसेज देना चाहूंगा, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है ना, लोग आपकी टीम में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, थोड़े दिन के लिए प्लान बुक को साइड में रख, भूल जाओ आपको मार्केटिंग प्लान दिखाना। आप प्रोडक्ट लीजिए, टूल्स लीजिए और प्रोडक्ट लेके लोगों के दरवाजों पे जाके दस्तक देना शुरू कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे को बेचना पड़ेगा। इस दुनिया के अंदर बेचना अभिशाप नहीं है, बेचना वरदान है। कोई भी इंसान इस दुनिया में अगर बड़ा बना है ना तो वो बेच के बड़ा बना है, चाहे उसने विचार को बेचा हो, चाहे उसने किसी प्रोडक्ट को बेचा। और मैं गया, चाय बेचना शुरू किया। पहले महीने मेरी 3,000 रुपये की चाय बिकी, 10,000 रुपये की नहीं बिकी। मैं राधाराम जी के पास आया, उन्होंने कहा और प्रयास कर। मुझे मालूम है मैं 3 महीने तक राधाराम जी के पास गया और 3रे महीने राधाराम जी को मैंने बोला अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है,
जी अपलाइन मुझे जरूरत रहेगी, बता रॉयल्टी के लिए जरूरत। बोले क्यों? मैंने कहा मेरे को समझ में आ गया, मैं जिनको प्रोडक्ट दे रहा हूँ वो लोग मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, प्लान बता रहा हूँ, प्लान बताते ही वो ज्वाइन कर रहे हैं। राधाराम जी का यही फार्मूला। उसके बाद मैंने कोई मीटिंग नहीं छोड़ी, कोई सेमिनार नहीं छोड़ा, कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, कोई टेप नहीं छोड़ी, कोई बुक नहीं छोड़ी। आज मेरे पास 300-400 किताबें हैं, 300-400-500 सीडीज और टेप्स होंगे, और मैंने सब कुछ वो जितना मतलब किया है कि मेरे को लगा कि मेरे को ये सीखना है, मैंने वो सब सीखा। और सीखते सीखते मैं इस बिजनेस में जून 2005 में रॉयल्टी पे आया और मेरा सपना पूरा हुआ। 26,000 रुपये का मुझे चेक आया। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मैंने बीसी सर को फ़ोन किया, राधाराम जी को फ़ोन किया, मैंने कहा मैं रॉयल्टी आ गया। बीसी सर ने कहा हमें तो पता था आप कर सकते। और तब से लेके आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा दोस्त। पहला चेक 760 था, अभी लगभग इस बिजनेस से हर महीने की जो इनकम आती है वो 2.25 लाख से 2.5 लाख 3 लाख के बीच में रहती है। एवरेज इनकम की अगर मैं सालाना बात करूं तो लगभग ये बिजनेस मुझे 30 लाख रुपए साल के देता है। जिस लड़के के पास कभी 300 रुपए नहीं थे, आज उसको 30 लाख रुपए साल की इनकम बिजनेस। और ये जो मुझे मिला है ना, ये आपको भी मिल सकता है, बशर्ते आप कुछ चीजें करें, बशर्ते आप इस सिस्टम को 100% फॉलो करें। कुछ आपको मैं पिक्स दिखा देता हूँ एक सेकंड में, फिर आपके साथ कुछ बात करूंगा। याद रखिए दोस्त, सफलता के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। और जर्नी जो है ना सर, वो बड़ी, ये स्टार जब मैं आया था तब ये मेरे को ट्रॉफी मिली थी, ये मेरी खूबसूरत बीवी है, ये मैं स्टार आया था, ये मेरे अपलाइन है जिन्होंने मेरे को बुला के ज्वाइन करवाया, मिस्टर राम अवतार चावला। भगवान ने सिर्फ इनको मेरे लिए भेजा। ये आज भी अपनी दुकान का काम करते हैं, इनके आज भी किराना की शॉप है, ये आरसी बिजनेस नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने मेरी जिंदगी को बदल दिया और इन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया। ये मेरी बीवी है साहब, और ये मैं प्लेटिनम की पिन लगा रखी है, मैंने 2005 का फोटो है ये। ये कंपनी विजिट किया था पहली बार मैं, उस समय का फोटो है ये। मैं जब टेक्निकल आ गया था तब का फोटो है ये। बाद के कुछ अकेडमी के फोटो है ये। मेरा एमरल्ड का फोटो है, जब मैं एमरल्ड आ गया था जयपुर में, एक प्रोग्राम हुआ था, और ये बीच में इंद्राज सर आपको दिखाई दे रहे हैं पीछे, मैं एमरल्ड आ गया था, उस समय का फोटो है ये। मेरे कुछ अभी के पिछले दिनों में, मतलब सेमिनार वगैरह करता हूँ, सानिया मिर्जा जी से सम्मानित होने का मौका मिला, बबीता फोगाट से सम्मानित होने का मौका मिला, ये कुछ मीटिंग सेमिनार जो मैं इंडिया में करता हूँ आज इस बिजनेस की बदौलत, लोग मेरे को सुनते हैं, आप सब लोग इतना प्यार देते हैं। ये मेरी बीवी है मेरे साथ में, बिलोड़ा अकेडमी के फोटो है ये, कुछ ऐसे फोटो है, और ये बिलोड़ा आरसीएम वर्ल्ड का फोटो है, ये टीसी सर के साथ में जिन्होंने इस पत्थर को हीरा बना दिया, उनके साथ फोटो है। ये मेरी कार है सर, और अभी मैं इस बिजनेस को बड़े आनंद के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ इस बिजनेस को जी रहा हूँ। और इस बिजनेस को मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर आप इस बिजनेस में बड़े बनना चाहते हैं, अगर आप इस बिजनेस में बहुत बड़ी अचीवमेंट लेना चाहते हैं, बहुत बड़ी सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इस बिजनेस को कुछ तरीके से समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, नेटवर्क मार्केटिंग इज लाइक ए गूगल मैप। आपके मोबाइल में गूगल मैप होता है, गूगल मैप आपसे क्या चीज पूछता है सर? दो चीजें पूछता है। नंबर वन, गूगल मैप आपसे पूछता है कि आप कहां हो, व्हाट इज योर करंट लोकेशन। इस बिजनेस में भी वर्तमान में आपको पता होना चाहिए कि आप कहां हैं। देन सेकंड, व्हाट इज योर डेस्टिनेशन, आप जाना कहां चाहते हैं। अगर आपको यह पता ही नहीं है कि मुझे कहां जाना है, फॉर एग्जांपल मान लो आप रॉयल्टी पे नहीं है, तो आपका सबसे पहला गोल इस बिजनेस में रॉयल्टी होना चाहिए, उससे नीचे कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, ये सब वो सीढ़ियां हैं जिनका इस्तेमाल आप रॉयल्टी के लिए करें, लेकिन आपका गोल सिर्फ और सिर्फ रॉयल्टी होना चाहिए। बिकॉज फ्रीडम आपका स्टार्ट होगा तो वो रॉयल्टी आने के बाद होगा। बिजनेस में अगर आप कामयाब होंगे तो रॉयल्टी आने के बाद होंगे। और अगर इस बिजनेस में आपको कुछ मिलेगा ना, नाम, पैसा, मान सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, सब कुछ, तो रॉयल्टी आने के बाद मिलेगा। So, आपका फोकस रॉयल्टी होना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग इज लाइक ए रोलर कोस्टर राइड, मतलब ये जो बिजनेस है ना, ये एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज ये लाइफ है सर मेरी, विदेश टूर, नेशनल टूर, इंटरनेशनल टूर आरसीएम की वजह से मुझे मिलते हैं। जो लड़का 30 साल की उम्र तक अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को नहीं देखा था, आज वो इस बिजनेस की बदौलत दुनिया देख रहा है। दोस्त, मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मेरी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ सर, ये आरसीएम की बड़ाई है। ये आरसीएम है मेरे पीछे,
आरसीएम की वजह से मैं यहाँ हूँ, अदरवाइज मेरे को कौन जानता था, मेरे को तो मेरे गांव के लोग भी पूरा नहीं जानते थे। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई अभाव है, आपकी जिंदगी में भी कोई कमी है, तो आप भी उस कमी को आरसीएम से पूरा कर सकते हैं। आरसीएम बिजनेस को एक मतलब आप आरसीएम को इस तरह से लीजिए कि जिंदगी में आपकी जो अवसर आया ना, देखिए हम आम लोग हैं सर, हम आम लोग हैं, और आम लोगों की जिंदगी में किसी कारणवश कोई अभाव अगर रह जाता है ना सर, तो वो कभी पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस को टीसी सर ने इस तरह से डिजाइन किया है कि हर भारतवासी के अभाव को, देखिए हम आर्थिक रूप से, सॉरी राजनीतिक रूप से तो हमें आजादी 47 में मिल गई थी, 1947 में, लेकिन आर्थिक रूप से आजादी के लिए कोई किसी ने प्लान नहीं किया था। एक ही इंसान है इस धरती पे, नन अदर देन टीसी छाबड़ा जी, जिन्होंने आम आदमी की जिंदगी को आर्थिक रूप से आजाद बनाने के लिए आरसीएम को बनाया और आरसीएम को राइड किया, और आज इंडिया की सबसे नंबर वन कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। दुनिया की कोई भी कंपनी के पास नमक नहीं है सर, दुनिया की कोई भी कंपनी के पास में एक रुपए का शैंपू पाउच नहीं है सर, आरसीएम के पास में हर वो चीज है जो चीज आपको चाहिए। सिर्फ एक चीज आपके पास होनी चाहिए, इरादा, बाकी सब आरसीएम के पास और यूएस के पास। अब जब सारी चीजें सेम है, सेम अपॉर्चुनिटी वत्स साहब के पास थी, सेम अपॉर्चुनिटी अत्री जी के पास थी, सेम अपॉर्चुनिटी राकेश शर्मा जी के पास थी, सेम अपॉर्चुनिटी मुकेश जी, वत्स जी, कदम जी, बीसी सर, केसी सर, या प्रहलाद जी, या गोयनका जी, या जय नारायण जी, या इंदिराज सर, सबके पास सेम अपॉर्चुनिटी है, सबके हाथ में सेम अपॉर्चुनिटी थी। फिर बहुत सारे लोग कामयाब होते हैं, बहुत सारे लोग कामयाब क्यों नहीं होते हैं, उसकी कुछ वजह है सर, एक ही वजह है, मैं सक्सेस हुआ या कोई भी सक्सेस हुआ। कामयाबी के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्तें होती है। जैसे वत्स साहब कभी भी कोई ट्रेनिंग करते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं, 21 रूल को थंब रूल बना लो, और यही बात महावीर जी कहते हैं, यही बात बाकी सारे कोऑर्डिनेटर कहते हैं, 21 रूल है नेटवर्क मार्केटिंग के, उनको थंब रूल बना लो, 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप और 7 कॉर्डिनल। अगर ये 21 नियमों को, और यूएस के चैनल पे प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे, प्लेलिस्ट को जाए के खोलें और प्लेलिस्ट के ऊपर आप जाके 6 बेसिक देखेंगे, तो आपको 6 बहुत ही शानदार वीडियो मिलेंगे। मैं लोगों से, मेरी टीम से, जिस भी साथी से मिलता हूं, मैं एक ही बात कहता हूं, आपको हर दिन एक वीडियो को देख के सुनना चाहिए। 6 दिन लगातार 6 बेसिक देखें और उसको अप्लाई करें। बिना अप्लाई किए तो कुछ भी मत देखिए साहब। आपने हजारों किताबें पढ़ी, अप्लाई नहीं की तो एक भी काम की नहीं है, और आपने एक किताब पढ़ी और अप्लाई की तो हजारों वाले पे आप भारी पड़ने वाले हैं। इंप्लीमेंटेशन इज द की ऑफ सक्सेस। नॉलेज विदाउट इंप्लीमेंटेशन इज नथिंग, बट इंप्लीमेंटेशन इज द नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस। आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जो सीख रहे हैं उसको। तो 6 बेसिक, उसके बाद में 8 कोर स्टेप लगातार 8 दिन 8 वीडियो देखें, जो हमारी कोर टीम ने डाल रखे हमारे लिए, बहुत मेहनत करके बनाए हुए वीडियो हो। और उसके बाद में 7 कॉर्डिनल रूल, कि क्या नहीं करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है। उनमें से ही मैंने कुछ चीजों को उठाया है और 6 प्राथमिकताएं मैं आपके सामने लेके आया हूं कि आरसीएम बिजनेस में अगर हमें सफल होना है तो 6 प्राथमिकताएं हमारे पास होनी चाहिए। समय का थोड़ा सा अभाव है, थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा। देखिए, हर आदमी की एक आइडेंटिटी होती है, हर आदमी की एक पहचान होती है। कोई भी आदमी इस दुनिया में है, उसकी पहचान है। जैसे एक डॉक्टर है, उसका प्रोफेशन क्या है, एक डॉक्टर है। उससे आप पूछोगे आप क्या हो, वो क्या बोलेगी, क्या बोलेगी या क्या बोलेगा, मैं डॉक्टर हूं। एक वकील से आप पूछोगे आप क्या हो, मैं लॉयर हूं। एक अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट से आप पूछेंगे आप क्या हो, मैं चार्टेड अकाउंटेंट है। विराट कोहली आपको मिलेंगे, आप पूछोगे क्या हो, जैसे मैंने पूछा था एक बार, बेंगलोर ये खेलने के लिए जा रहे थे, दिल्ली एयरपोर्ट पे थे, मैं भी दिल्ली एयरपोर्ट पे था, मैं पहचानता नहीं था क्योंकि मैं क्रिकेट वगैरह कभी देखता नहीं था। आरसीएम में आने के बाद, पहले बहुत देखता था, आरसीएम में आने के बाद मेरे को बोला गया था टीवी से दूर हो जाओगे तो टीवी में आने के चांस बढ़ जाएंगे, और ये बीसी सर ने बोला था, और आज बीसी सर का वो शब्द सच हो रहा है कि हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों को टीवी में देखते हैं जिनको कभी नहीं देखते थे, और उनमें से एक मेरे को भी आज आप सब लोग टीवी में देख रहे हैं। सो बीसी सर का शुक्रिया कि उन्होंने इतना बड़ा विजन दिया और इतना मतलब हमें गाइड किया। तो मैं टीवी नहीं देखता था, और विराट कोहली उस समय क्रिकेट में आए थे, और मैं बेंगलोर दिल्ली एयरपोर्ट पे उनसे मुलाकात हुई, मैं नहीं जानता था, बाद में मुझे पता चला अरे यार ये तो विराट कोहली थे, क्योंकि वो दूसरे लोगों को ऑटोग्राफ दे रहे थे और तब तक मैं फ्लाइट में बैठ चुका था। तो विराट कोहली से आप पूछेंगे आप कौन हो भाई, तो वो बोलेंगे मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। एक टीचर से आप पूछेंगे कौन हो, मैं टीचर हूँ। एक इंजीनियर से पूछोगे कौन हो, मैं इंजीनियर हूँ। और अगर बच्चन साहब कहीं मिल जाए, जैसे मेरे को 2 बार मिले हुए हैं,
एक बार मुंबई में और एक बार दिल्ली में आरसीएम की बदौलत। तो बच्चन साहब से पूछोगे आप कौन हो तो बोलोगे एक्टर हूं, वो बोलेंगे एक्टर हूं। मैं आपसे पूछता हूं, चैट बॉक्स थोड़ी देर के लिए ऑन करते हैं और मैं आपसे पूछता हूं आप कौन हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी पहचान क्या है, आप कौन हैं सर, थोड़ा सा आप बताएंगे कि आप कौन हैं। बहुत सारे लोग नहीं बता पाते हैं कि वो कौन है, लेकिन आप बताएंगे कि आप कौन हैं, आप बताइए कि आप कौन हैं। नेटवर्क बहुत बढ़िया, नेटवर्क बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस। कई बार मैं लोगों को देखता हूं, पूछते हैं ना, वो मेरी तरह कोई दूध बेच रहा है ना और वो आरसीएम कर रहा है, तो ये नहीं बोलेगा मैं नेटवर्क करूं, वो बोलेगा मैं दूध बेचता हूं। अरे भाई दूध बेच रहे हो वो तो मजबूरी में बेच रहे हो, दूध के धंधे से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, आरसीएम है, तो आप ये क्यों नहीं बोलते हो मैं नेटवर्कर हूं, आई एम ए प्रोफेशनल नेटवर्कर। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आप सब लोग अपने आप को नेटवर्कर मानते हैं, यस हमारी नेटवर्कर हैं हम लोग। अच्छा, बीइंग ए प्रोफेशनल, इन लोगों की प्राथमिकताएं क्या है सर, ये जो भी लोग हैं इनकी प्रायोरिटीज क्या है, इन लोगों की प्राथमिकता क्या है। डॉक्टर की प्राथमिकता है पेशेंट्स, उनका इलाज करना, लॉयर की प्राथमिकता है केस लड़ना, सीए की प्राथमिकता है अकाउंटिंग, स्पोर्ट्स पर्सन की प्राथमिकता है उसका खेल, टीचर की प्राथमिकता है उसके बच्चों की पढ़ाई, इंजीनियर की प्राथमिकता क्या है वो उसका जो भी प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करना, और एक्टर की प्राथमिकता क्या है, उसकी प्राथमिकता क्या है, प्रायोरिटी क्या है, उसकी प्रायोरिटी है कि वो अपनी एक्टिंग को करे। एक नेटवर्क मार्केटर के रूप में हमारी और आपकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, व्हाट एक्टिविटीज शुड यू फोकस ऑन सो यू कैन बी सक्सेसफुल एंड प्रोडक्टिव इन योर बिजनेस, क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए उसके ऊपर थोड़ी सी हम बात करेंगे। पहली प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी नंबर वन, एक्सपोजर। ये बिजनेस में हमें हर दिन नए लोगों से बात करनी चाहिए, हर दिन, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए जब हम नए लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। यदि आप हर दिन नए लोगों से बात नहीं कर रहे हैं तो आपका व्यवसाय स्थिर हो जाएगा और एंड में गिरावट आएगी। बहुत सारे साथियों का मैं देखता हूं उनका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता है, उसके बाद में धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है। क्यों गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो नए लोगों से बात करना बंद कर देते। बीजी सर ने बहुत अच्छी बात बोली थी जम्मू में स्टेज से, किसी साथी से पूछा कि आप मीटिंग में कितने लोगों को लाए, उन्होंने कहा 10 लोगों को लाया, बोले उसमें नए लोग कितने थे, बोला सर नया तो कोई नहीं था। बीसी सर ने कहा मैं नहीं मेरा बाप भी आ जाए ना तो भी आपके बिजनेस को नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि आप नए लोग नहीं लेके आए। दोस्त मुझे पता नहीं ये शब्द आपको कैसा लगा होगा, मुझे माफ करेंगे बीसी सर अगर उन्होंने सुना है तो, और डेफिनेटली वो सुन रहे हैं, लेकिन बात तो सही कही गया। अगर हम नए लोगों से बात नहीं कर रहे तो हमारा बिजनेस नहीं। मैं कहता हूं जब भी मीटिंग में जाए कम से कम, टीसी सर ने एक बार कहा था कि आप मीटिंग में आओ और 2 आदमी लेके नहीं आ रहे हो तो आ क्यों रहे हो, सवाल का जवाब नहीं था हमारे पास। मूल रूप से हमें लोगों से बात करने के लिए कंपनी भुगतान करती है, आप जितने अधिक लोगों से बात करते हैं उतना आपको भुगतान मिलता है। बात करना मतलब प्लान शो करना। अगर आप इस बिजनेस में प्रतिदिन नए लोगों से बात नहीं कर रहे, रोज अगर आप लोगों से नहीं मिल रहे हैं, लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, प्लान शो नहीं कर रहे हैं, चाहे आप पार्ट टाइम में कर रहे हैं फुल टाइम में कर रहे हैं, 4, 6, 8 लोगों से रोज बात करना, रोज प्लान दिखाना होना चाहिए, ये हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए। प्रायोरिटी नंबर 2 जो हमारी है वो है वॉल्यूम क्रिएट कर। देखिए कंपनी हमें पैसा सिर्फ बिजनेस वॉल्यूम से देती है। यू ओनली मेक मनी इन द बिजनेस व्हेन प्रोडक्ट्स आर बॉट एंड सोल्ड टू एंड यूजर्स। लास्ट आदमी तक हमारा प्रोडक्ट पहुंचेगा ना तो हमें पैसा मिलेगा। द पर्पज ऑफ डूइंग लॉट ऑफ एक्सपोजर इज टू क्रिएट वॉल्यूम इन योर ऑर्गेनाइजेशन। हमें बहुत सारा वॉल्यूम क्रिएट करना है, और वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें प्लान दिखाना है, डेमो वर्कशॉप करनी है। आप गामा ओरिजिनल का डेमो कीजिए, न्यूट्रीजार का डेमो कीजिए। प्लान क्या है सर, ट्रेडिशनल मार्केट में कंपनी माल बनाती है, कुछ बिचौलियों के माध्यम से, विज्ञापन आदि के माध्यम से हमारे पास पहुंचता है, 40 रुपए में कोई चीज बनती है, इन बिचौलियों के माध्यम से हमारे पास 100 में पहुंचती है। आरसी बिजनेस में कंपनी ने क्या किया, सभी बीच की चीजों को हटा दिया और हमें डायरेक्ट एसोसिएट बायर बना दिया, डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, और बीच का ये बचा हुआ 60% पैसा हमें दे दिया, और अभी तो 60 से भी ज्यादा दे दिया है। कंसिस्टेंसी आने के बाद में, फ्री प्रोडक्ट आने के बाद में, डबल धमाल आने के बाद में, और अपग्रेड प्लान आने के बाद में, ये जो 60% है ये 60 से भी ज्यादा मिलने लग गया है। अगर आपको आरसीएम से कोई भी
आरसीएम जैसी क्वालिटी का प्रोडक्ट आरसीएम जैसे रीजनेबल रेट पे कोई और कंपनी दे तो मेरा दावा है वो दे ही नहीं सकती है। बट आरसीएम आपको देती है और आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि जिंदगी में कितना। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, अगर आप मार्केट से सामान ला रहे हैं और तीन पीढ़ियों से ला रहे हैं, तो मैंने एक कैलकुलेशन की थी, पहले जब रुपए की वैल्यू ज्यादा थी, आज रुपए की वैल्यू कम है, पहले ज्यादा प्रोडक्ट आता था आज कम आता है, मैंने सारी कैलकुलेशन की थी। सर 400 करोड़ हम खो के बैठे हुए हैं, वी ऑल आर, हम सब लोग 400 करोड़ रुपए खो के बैठे हुए हैं। अब मुकेश जी ने, वत्स साहब ने, राजाराम जी ने, इन लोगों ने उस 400 करोड़ में से बहुत सारे वसूल कर लिए, हम लोगों को अभी वसूल करना है। 400 करोड़ रुपए हमने बिचौलियों को दिए है तीन पीढ़ियों में, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और मैंने मिलके, जब तक मैं आरसी में नहीं आया तब तक हमने 400 करोड़ रुपया मार्केट को दिया है। आप कैलकुलेशन कर लेना, मेरे से कभी आप चाहो तो बात करके भी कर लेना अपने अपलाइन के थ्रू, 400 करोड़ रुपया हमने खोया है आरसीएम से। सिर्फ दुकान बदलने से हम तीन पीढ़ी में 400 रुपए मिनिमम बचा सकते हैं, 400 करोड़ से दुकान बदलकर 400 करोड़ बचा सकते हैं। और अगर ये दुकान बदलवा दी तो 400 करोड़ रुपए अगले 5-10 साल में कमा सकते हैं। इतनी बड़ी पावर है सर दुनिया में। जितने भी अमीर लोग हैं ना वो सारे नेटवर्क बनाते हैं। बीसी सर एक बात कहते हैं, फैक्ट्री लगा के जो आदमी अमीर नहीं बन सकता वो आदमी नेटवर्क बना के अमीर बन सकता है। आप मार्क जुकरबर्ग का देखिए ना साहब, फेसबुक की फैक्ट्री कहाँ है? कहीं नहीं है, लेकिन आज दुनिया का पांचवा सबसे रिचेस्ट पर्सन है, क्योंकि उसके पास में व्हाट्सएप का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का नेटवर्क है। आप गूगल को देखिए ना, लेरी पे को, कहाँ है उनकी फैक्ट्री? है नहीं है, लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है गूगल, क्योंकि उनके पास दुनिया का नेटवर्क है। आप देखिए ना एप्पल को, एप्पल के पास में एक दो फैक्ट्री होगी इंडिया में, चाइना में मोबाइल बनाते हैं, दूसरे लोग बनाते हैं, लेकिन टिमकू को एप्पल को बेचते हैं, 55% मार्केट आज उनका है अकेले, और वो अमीर है। यानी नेटवर्क बना के ही अमीर बना जा सकता है, बिना नेटवर्क बनाए अमीर नहीं बना जा सकता। और आरसीएम बिजनेस हमें मौका देता है। आज मुकेश अंबानी जियो से पैसे बनाते हैं, हम सबने जियो के कनेक्शन लोगों को दिलवाए, लेकिन अंबानी जी ने हमें एक रुपया नहीं दिया, लेकिन फिर भी हमें अच्छा लगा, हमने लोगों को बताया, लोगों ने जियो लिया, मुकेश अंबानी को अमीर बनाया। लेकिन वही काम अगर हम आरसीएम में करते हैं तो टीसी सर हमें अमीर बनाने के लिए काम करते हैं। रतन टाटा जी ने एक बात बोली है, इफ यू वांट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन, बट इफ यू वांट टू वॉक फार वॉक टुगेदर। अगर आपको तेज चलना है तो अकेले चलिए, बट दूर तक जाना है तो लोगों का साथ लीजिए। और ये इंफोसिस के रचयिता नारायण मूर्ति जी है, और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है, वन ह्यूमन लाइफ इज नॉट एनफ टू बिकम ए सुपर रिच। इंडिया में 200,000 घर है जो सुपर रिच कैटेगरी में आते हैं। पूरे भारत में 150 करोड़ की आबादी में 1,000,000 लोग ऐसे हैं, 200,000 घर मतलब 2×5 10 हो गया, 1,000,000 लोग ऐसे हैं इनकम टैक्स डेटा के हिसाब से, इस साल के इनकम टैक्स डेटा के हिसाब से बता रहा हूं, 1,000,000 लोग ऐसे हैं जो सुपर रिच है। 144 करोड़ भारत की आबादी है, 144 करोड़ में से सिर्फ 1,000,000 लोग है जो सुपर रिच है, और वो 1,000,000 के 10,000,000 के पास में नेटवर्क है। अगर हमें उस 1,000,000 जैसा सुपर रिच बनना है, वत्स साहब, राजाराम जी, मुकेश जी, ये सब लोग सुपर रिच में आते हैं, विजेंद्र सर वगैरह, अगर हमें सुपर रिच बनना है तो हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा। और ये जेपॉल गेटी जी का बहुत ही फेमस कोट, मैं 1 से 100 रुपए कमाने की जगह 100 लोगों से 1-1 कमाना पसंद करूंगा, क्योंकि अगर किसी कारण से 1 आदमी से 100 रुपए आ रहा है और वो आना बंद हो जाए तो मेरी आमदनी शून्य हो जाएगी। इसके विपरीत 100 लोगों में से यदि 1 से 1 रुपया भी आना बंद हो जाए तो 1 रुपये कम होगा, 99 फिर भी आएंगे। ये नेटवर्क की पावर है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करता हूं, डोंट बी बिजी, बी प्रोडक्टिव। चेक करिए आप कहां हो। एवरी एक्टिविटी यू डू इन योर बिजनेस शुड बी डिजाइन टू हेल्प जनरेट मोर वॉल्यूम, ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए। आपकी हर एक्टिविटी का एक ही मकसद होना चाहिए, बिजनेस वॉल्यूम कितना बढ़ा। दिस इंक्लूड प्रोस्पेक्टिंग, रिपर्चेज, रिटेलिंग, रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग। टीच योर टीम हाउ टू डू द सेम थिंग्स, और अपनी टीम को सिखाइए। बहुत अच्छी बात महावीर जी बोलते हैं, लर्न टीच डुप्लीकेट, पीसी सर ने भी सिखाया है। लर्न, पहले सीखें फिर करें,
और फिर अपनी टीम के से करवाएं। इफ नो प्रोडक्ट आर परचेज और सोल्ड नो वन मेक मनी इन दिस बिजनेस। अगर कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है, प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, कोई पैसे नहीं बनाएगा। तीसरी प्रायोरिटी, फाइंड एंड डेवलप लीडर्स। आपके बिजनेस में पैसा लीडर बनाने से आता है, हमारे बिजनेस में पैसा लीडर बनाने से आता है। जब तक हम लोगों को लीडर नहीं बनाएंगे हमें पैसा नहीं आएगा, तो हमें लीडर बनाना है। कई लोगों को मैं देखता हूं वो हमेशा अपलाइन के कंधे पे ही चढ़े रहते हैं, जैसे शुरू में मैं चढ़ा रहता था। मैं सोचता था ये काम भी अपलाइन कर देगी, ये काम भी अपलाइन कर देगी, ये काम भी अपलाइन कर देगी। अगर दूसरे शब्दों में बोलूं तो मैं पा बन गया था। मैं आपसे कहूंगा दोस्तों, पा ना बने, इंडिपेंडेंट बने, क्योंकि ये बिजनेस पा बनने का नहीं है, ये बिजनेस इंडिपेंडेंट बनने का है, पापा बनने का। पापा बन सकते हैं, पा मत बनिए। और एक सवाल है आपसे, आर यू डुप्लीकेटिंग डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस? आप किसको डुप्लीकेट कर रहे हैं? कोई आदमी आपके ऊपर निर्भर रहे, या कोई आदमी आपकी जो टीम में है वो इंडिपेंडेंट हो जाए? आर यू स्टिल बिजी इन कैचिंग ए फिश? आप मछली पकड़ने में बिजी है? टीचिंग योर फ्रंटलाइन लीडर्स हाउ टू कैच ए फिश, मेक हिम हर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। अपनी टीम को सिखाइए कि वो इंडिपेंडेंट कैसे बने, चाहे वो प्लान दिखाना हो, चाहे प्रोडक्ट सेल करना हो। छोड़ना नहीं है, सिखाना है। कई बार हम गलती क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं कि बस भाई अब तो इंडिपेंडेंट कर, तू तेरा जो तेरे से होता है वो कर। नहीं, एक एक आदमी को सिखाना है। टीसी सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं, होम मीटिंग करिए, पिकअप सेंटरों पे प्रोग्राम करिए, उनको लेके बैठिए और उनको एक एक चीज सिखाइए। कस्टमर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कम एंड गो। ग्राहक और डिस्ट्रीब्यूटर तो आते जाते रहेंगे, बट लीडर आर हु यू आर रियली लुकिंग फॉर। लेकिन लीडर हमेशा टिके। ये बिजनेस लीडर बनाने का बिजनेस है। द बिग एंड लॉन्ग टर्म मनी इन दिस बिजनेस कम फ्रॉम डेवलपिंग लीडर्स इन योर टीम। बीसी सर ने क्या किया, लीडर तैयार किए, जिसकी वजह से आज सैकड़ों करोड़ का हर महीने का टर्नओवर होता है हमारा, हजारों करोड़ साल का टर्नओवर होता है, वो सिर्फ लीडर्स की वजह से होता है। लीडर्स टर्नओवर क्रिएट करते हैं। योर गोल इज टू इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी विद द पीपल इन योर टीम विद द ग्रेटेस्ट लीडरशिप पोटेंशियल। यू वांट टू फाइंड एंड डेवलप लीडर्स। लीडर्स को ढूंढते रहिए और डेवलप करते रहिए। चौथी प्रायोरिटी है रिटेंशन। जो लोगों को लाए हो उनको टिकाना। अगर लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं तो कुछ नहीं होएगा। बाल्टी है, ऊपर से पानी डाल रहे हो, नीचे छेद है, पानी निकल रहा है, तो कभी बाल्टी भरेगी क्या? चाहे आप टैंकर डाल दो बाल्टी में, बाल्टी खाली की खाली रहेगी। लेकिन वो छेद को अगर आपने बंद कर दिया तो एक बाल्टी पानी में ही आपकी बाल्टी भर जाएगी। मेरे कहने का मीनिंग क्या है, आपको जो लोगों को ला रहे हैं उनको टिकाना है। योर आरसीएम बिजनेस और आरसीएम बिजनेस रिटेंशन एंड रिक्रूटमेंट, दो चक्कों की गाड़ी है आरसीएम। रिटेंशन मतलब जो आ गया है वो रुके, वो प्रोडक्ट यूज करे, वो कंसिस्टेंसी करे, वो डायमंड क्लब करे, वो पीक्यूसी करे, वो कीसोल के प्रोडक्ट ले, वो न्यूट्रीजार ले, वो गामा ले, वो कुछ भी ले, वो टिके, वो मीटिंग में आए, वो सेमिनार में आए, वो जूम मीटिंग में आए, वो टिके। रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन, अगर ये दो काम हमने किए तो हम बहुत सारा मैदान फतेह कर लेंगे। रिक्रूटिंग विल मेक यू इमीडिएट मनी, जोड़ने से तुरंत पैसा आएगा, बट रिटेंशन विल मेक यू रिच। लेकिन आप लोगों को टिकाओगे तो आप अमीर बनोगे। एट्रीशन विल ऑलवेज बी हाई इन नेटवर्क मार्केटिंग बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट ऑफ एंट्री। आरसीएम बिजनेस में एट्रीशन रेट यानी छोड़ने वाले लोगों की संख्या हमेशा ही हाई रहती है, इस इंडस्ट्री का कल्चर है ऐसा, इरिक परे साहब कहते हैं। योर गोल इज टू मिनिमाइज एट्रीशन एज मच एज पॉसिबल। आपका गोल होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए कि लोग जल्दी से जल्दी ऐसा क्या करें जिससे लोग इस बिजनेस को छोड़े नहीं। और उसके लिए आपको क्या चाहिए, आप में अवेयरनेस होनी चाहिए, आप में इंटरेस्ट होना चाहिए, आप डिसीजन लें और आप एक्शन लें, तो ये सारी चीजें हो जाएगी। यू कैन इंक्रीज रिटेंशन बाय डूइंग ए फ्यू सिंपल थिंग्स। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हम रिटेंशन को बढ़ा सकते हैं, मतलब लोगों का रुकना, मतलब लोग बिजनेस में रुके उसको बढ़ा सकते हैं। हेल्प योर टीम एसोसिएट मेक मनी। पहला, लोगों की मदद करिए कि उनको जल्दी से जल्दी पे आउट आए, उनको बड़ा पैसा आए, 1000 का चेक बने, 2000 का चेक बने, वो कंसिस्टेंसी में आए, वो बोनस में आए। कोशिश करिए, पैसा आने से आदमी टिक जाता है। व्हेन पीपल आर मेकिंग मनी दे आर लेस लाइकिंग टू क्विट द बिजनेस। पैसा आने से लोग टिकते हैं। नेक्स्ट, बिल्ड डेप्थ व्हेन एवर पॉसिबल। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का हमेशा से रूल है, डेप्थ में काम करिए। अगर आप जड़ों में पानी दे रहे हैं तो आप बिजनेस के टॉप पे पहुंचेंगे। अगर जड़ें हरी है तो ऊपर का आखिरी पत्ता भी हरा होगा। जड़ें सूखी है ना दोस्त, तो ऊपर पत्तों पे चाहे कितना मर्जी पानी डाल दो, आज नहीं तो कल पेड़ को सूखना पड़ेगा। Always work with the newest
most excited distributor at the deepest level in your field. This helps motivate everyone above them. जो भी लोग ऊपर जुड़े हुए ना डेप्थ में, अत्री जी एक बात बोलते हैं, वो कहते हैं अगर आपने डेप्थ को पकड़ लिया तो आप ऊपर की पूरी टीम को हिला सकते हैं। और यही बात पंडित जी ने बोला था, अगर कोई आदमी ठीक नहीं हो रहा है उसके नीचे जाके एक आदमी को पकड़ो, 6 महीने उसके साथ शुरू हो जाओ, सब सीधे हो जाएंगे। मैं माफी चाहूंगा, मैंने पंडित जी के शब्दों को कोट किया, लेकिन हो सकता है मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज मेरी इस्तेमाल कर दियो। When people have something to lose, they are less likely to quit. जब लोगों को ये डर होता है ना यार मैं छोड़ दूंगा तो मेरा ये यहाँ से ये टीम बनी हुई है मेरे नीचे ये चली जाएगी वो चली जाएगी, तो चांस होते हैं क्विट नहीं करते। देखो ईंटों की एक भट्टी है साहब, और इसमें आग कहाँ से लगती है? नीचे से लगती है। ईंट भट्टी में आग कहाँ से लगती है? नीचे से लगती है, नीचे से लगती है। आपके नेटवर्क में भी आग कहाँ से लगेगी? आग मतलब फायर क्रिएट कहाँ से होगा, जोश कहाँ से आएगा, वॉल्यूम कहाँ से आएगा, बड़ा क्रिएशन कहाँ से होगा? वो डेप्थ से होगा। Stay in touch with your team frequently. समय समय पे टीम से मिलते रहे। कई लोगों को मैं देखता हूं बात ही नहीं करते हैं अपनी टीम से, मतलब जोड़ा और छोड़ा, बोला अब तो तू अपने आप चल, मतलब बच्चे को पैदा कर दिया, अब तू मर खप कुछ कर, तेरे को तेरा जाने। ऐसा नहीं होता है सर, बच्चे को हम पैदा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, जवान बनाते हैं, उसी तरह अपनी टीम के अंदर करना है हमें। कम से कम रॉयल्टी तक तो उनको लेके चलिए ना यार, कम से कम रॉयल्टी तक तो उनको रास्ता दिखाइए ना, उसके बाद वो रास्ता बना लेंगे। Get people to event whenever possible. लोगों को जब भी संभव हो मौका मिले मीटिंग में लेके जाइए, क्योंकि जो लोग मीटिंग में जाते हैं वही इस बिजनेस में बड़े बन पाते हैं। डेवलप योर सेल्फ। पांचवा है खुद का निर्माण करना। योर जॉब इज टू डेवलप योर सेल्फ इन टू ए लीडर। आपका काम है कि आप अपने आप को लीडर के रूप में डेवलप करें। यू वॉन्ट टू बी समवन वर्थ फॉलोइंग। इंप्रूव योर स्किल एंड एटीट्यूड एवरी सिंगल डे। हर दिन अपने स्किल्स को बढ़ाइए, बेचने का स्किल, प्लान दिखाने का स्किल, बोलने का स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आपका एटीट्यूड हर दिन पॉजिटिव होना चाहिए। किताबें पढ़िए, बड़े बड़े प्रोग्राम, छोटे प्रोग्राम, जो भी इवेंट आपको मिले। मैं तो कहता हूं आपके पिकअप सेंटर पे होने वाली वीकली मीटिंग, अगर आपके वहां पे हो रही है और आप उस शहर में हैं और उस वीकली मीटिंग में नहीं है, इसका मतलब आप अभी भी अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे। टॉक विद योर मेंटर, अपने अपलाइन से बात कीजिए, इंस्पायरिंग वीडियो देखिए, डू वट एवर एल्स यू कैन टू इम्प्रूव योर सेल्फ। खुद को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करना पड़े वो सब कर डालिए यार, लेकिन इम्प्रूव करिए। पर्सनल डेवलपमेंट इज वाइटल टू योर लॉन्ग टर्म सक्सेस इन बिजनेस। आपका खुद का डेवलपमेंट है ना, वो इस बिजनेस में आपकी लंबी दूरी की सफलता, लाइफ लॉन्ग जर्नी के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली इनकम के लिए आपका डेवलपमेंट बहुत जरूरी है दोस्त। योर बिजनेस विल ओनली ग्रो एज मच यू ग्रो। केसी सर एक बहुत अच्छी बात बहुत साल पहले बोले थे और कई बार बोलिए, अगर आपको इस बिजनेस में 25,000 रुपए की इनकम आ रही है ना, या तो आप आदमी 25,000 के हैं, या वो 25,000 गलती से आए हैं, तो आने वाले समय में वो 25,000 नहीं रहने वाले हैं अगर आपने अपने आप को 25,000 के लिए डेवलप नहीं किया। सेम बात 50,000 के लिए होती है, 1,00,000 के लिए होती है, 2,00,000 के लिए होती है। मेरे को कई बार लगता है यार मेरे को पैसा कम आता है, फिर मेरे को लगता है यार मेरे को पैसा कम आता है क्योंकि मैंने अपने आप को अभी डेवलप इसी लायक किया है। अगर मेरे को 25,00,000 रुपए महीना कमाना है, 50,00,000 रुपए महीना कमाना है, तो मुझे व्हाट्सएप की तरह अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा। और मैं अपने आप को डेवलप करता हूं। क्रिएट ए डेली पर्सनल डेवलपमेंट प्लान एंड फॉलो इट एवरी सिंगल डे। डेली का प्लान कीजिए अपना डेवलपमेंट का और उसको डेली फॉलो कीजिए। और प्रायोरिटी नंबर 6, प्रमोट इवेंट्स। इवेंट्स हमारे बिजनेस की जीवन रेखा है, प्रोग्राम हमारे बिजनेस की जीवन रेखा है। हमारे शरीर में जो ब्लड की जो वेन्स होती है ना, ये वेन्स अगर कहीं गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा? आदमी मर जाएगा। उसी तरह अगर प्रोग्राम मिस हो गए ना, तो इस बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर मर जाए। प्रोग्राम हमारे बिजनेस की जीवन रेखा। वन ऑफ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी इन आरसी बिजनेस इज टू प्रमोट इवेंट। दिस इज इवेंट ड्रिवन बिजनेस। ये इवेंट से चलने वाला बिजनेस है। अगर आपके लोग प्रोग्राम में नहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। यू शुड अटेंड एवरी इवेंट योर सेल्फ, बी ए स्टूडेंट ऑफ योर बिजनेस। दिस हेल्प यू बिल्ड अप योर बिलीव इन योर कंपनी, प्रोडक्ट, द इंडस्ट्री एंड योर सेल्फ। मीटिंग में जब भी जाएंगे ना यार, चार्ज होगी। मीटिंग एक चार्जिंग स्टेशन की तरह है, जहां कार को लगा दो चार्ज होना ही होता है। इवेंट आर वेयर पीपल मेक द डिसीजन। इवेंट से ही फैसले होते हैं। अगर मेरा दोस्त मुझे रामोतार किडनैप करके मीटिंग में नहीं लाता ना, मैं कभी डिसीजन नहीं ले पाता, कभी नहीं ले पाता। बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है, आपको इवेंट के अंदर आना होगा, क्योंकि फैसला वहीं से आता है। अगर यू नीड टू इवेंट,
Either you need the event or the event need you. Never miss an event. कई बार आपको इवेंट की जरूरत है, कई बार इवेंट को आपकी भी जरूरत है. जैसे आज वत्सर को इवेंट की जरूरत नहीं है, वत्सर को इवेंट को वत्सर की जरूरत है. राधाराम जी को इवेंट की जरूरत नहीं है, इवेंट को राधाराम जी की जरूरत है. मुकेश जी को इवेंट की जरूरत नहीं है, इवेंट को मुकेश जी की जरूरत है. बीसी सर को इवेंट की जरूरत नहीं है, बीसी सर की इवेंट को जरूरत है. तो पहले हमें इवेंट की जरूरत होती है, बाद में इवेंट को हमारी जरूरत. सो दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट करना चाहिए, जो आपकी अपलाइन एक्टिव इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन बोले ना, आंख बंद के फॉलो कीजिए, आंख बंद करके फॉलो कीजिए, सबमिट कर दीजिए उनको, समर्पित कर दीजिए उनको, उनके झोली में डाल दीजिए अपने आप को. मैंने इंद्राज जी और राजाराम जी के आगे अपने आप को सरेंडर किया हुआ है. बीसी सर को मैं बोलता हूं, मेरे को आप जूते मार लो से, मेरे को आप जूते मार लो से. मैंने पूरा एकदम ऐसे सरेंडर ऐसे ऐसे कि सब कुछ आ, क्योंकि अगर हमें सब कुछ आ रहा होता तो हम वहां होते यार, हम वहां नहीं है ना. इसका मतलब हमें सब कुछ मालूम नहीं है. किस बात का ईगो है, किस बात का घमंड है, कौन सा ज्ञान है. कई बार होता है, एक पढ़ा लिखा आदमी होता है, एक डॉक्टर होता है, वकील होता है, इंजीनियर होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, बड़े प्रोफेशन का आदमी होता है, उसको लगता है मुझे सब आता है. सर बिल्कुल आपके फील्ड के आप मास्टर हैं, वी सैल्यूट यू, हम आपको सैल्यूट करते हैं सर, आपके फील्ड में आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत काबिल आदमी हैं. बट क्या डायरेक्ट सेलिंग में आप काबिल हैं? नहीं सर. बी ए स्टूडेंट, आप स्टूडेंट बन के सीखिए, आप स्टूडेंट बन के सीखिए. अगर आप स्टूडेंट बन के रहेंगे तो ये इंडस्ट्री में भी एक दिन आप जितने आप अपने फील्ड में काबिल हैं उससे ज्यादा आप इस इंडस्ट्री में काबिल बन. बहुत बहुत धन्यवाद, माफी चाहूंगा एक दो मिनट का समय ज्यादा ले लिया, बहुत बहुत शुक्रिया. JRCM और एक बार पुनः सारी कोर टीम का, UES का, TC सर का, RCM का, सभी का शुक्रिया कि मुझे यहाँ आने का मौका दिया. थैंक यू सो मच, ओवर टू कोस्ट. बहुत 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 धन्यवाद सर. और वास्तव में आज जो व्यक्ति गलती से भी इस वेबिनार में आ गया रहा होगा, जिस तरह से अक्सर लोगों के साथ होता है, और वो अभी तक बने होंगे, तो वो सारी चीजें आज वो जाने कि हम, हमारे आज चीफ गेस्ट आत्माराम सर कहाँ थे, क्या क्या उनके जीवन में घटनाएं हुई, और वास्तव में ये इस प्लेटफॉर्म पर ही नहीं, इस विश्व में जीवित हर व्यक्ति के साथ वो सारी घटनाएं होती हैं. और वास्तव में सर आपने एक हिस्ट्री क्रिएट किया है. वास्तव में आज मैं इस प्रोग्राम में रह के जो चीजें सीखा हूँ, क्या पता मेरे ट्रेनिंग प्रोग्रामों, मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम आज तक अपने जीवन में किया. मैं एज इंश्योरेंस काउंसलर था और उसमें बहुत सारे बड़े बड़े इंडिया के टॉप ट्रेनर्स का प्रोग्राम मैं अटेंड किया हूँ. जिनका भी आप नाम ले लीजिए, मैं सभी का प्रोग्राम अटेंड किया हूँ. पर वास्तव में आज का जो आपका ये वेबिनार था, ट्रेनिंग था, क्या था मुझे नहीं पता ये क्या था, लेकिन वास्तव में जो भी था, आपने जो भी दिया मन से दिया सर, और सारी चीजें ऐसी दी हैं आज, और उस भाव से दी हैं कि यहाँ लेने वाला व्यक्ति की पात्रता चाहिए कि उस किस तरीके से इन चीजों को लिया होगा. सर बहुत बहुत धन्यवाद. और आज के प्रोग्राम की कौन सी बात क्या बोलूं, लेकिन जिस तरह सर आपने 6 basic 7 cordial और 8 course के अलावा जो चीजें हमको बताई, 6 चीजें, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी. चूंकि आज समय का अभाव है, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं गुरुदेव वीसी सर हमारे बीच में हैं, सर मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं. थैंक यू सर. देखो मैं सभी साथियों को मैं बहुत गहराई से एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर मैं ये कहूं कि आत्माराम जी मेरे गुरु हैं तो आपको बात समझ में थोड़ी आएगी. नहीं ऐसे मत बोला करो. देखो एक्चुअली में प्रैक्टिकल में रियलिटी है कि इन दिनों में मैंने बहुत किताबें पढ़ी. मैंने डायरेक्ट सेलिंग को लेके, लाइफ इंप्रूवमेंट को लेके बहुत किताबें पढ़ी मैंने. जब मैं RCM में आया था तो मैंने आके किताबें ही पढ़ के और ट्रेनिंग अटेंड करके ही सीखा. लेकिन बाद में मेरा ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा ब्रह्मा कुमारीज की तरफ चला गया, तो अब मेरे को वहां से मुरली सुनने का या वहां से वो टाइम मेरे को मिलता नहीं है. तो मेरे को जब भी मदद की जरूरत होती है मैं आत्माराम जी की तरफ अपनी हाथ बढ़ाता हूँ, क्योंकि वो कंटिन्यू किताबें पढ़ते हैं. देखो आपकी अगर रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाएगी तो जो ट्रेनिंग आज आत्माराम जी ने दी वैसी ट्रेनिंग देने वाले आप भी बन सकते हो. इनका बैकग्राउंड तो दूध बेचने वाले का था. अगर एक दूध बेचने वाला और बीड़ी पीने वाला आदमी अगर इस तरह इस लेवल पे ट्रेनिंग दे सकता है तो आज यहाँ बैठे हुए सारे लोगों को सीखना है कि वो भी किताबें पढ़कर
और सीख कर कुछ भी कर सकते हैं। ये परिवर्तन की जो ये यात्रा है, ये आप सबके लिए पॉसिबल है। केवल आपको कुछ आदतें बनानी है सीखने की, लर्निंग एटीट्यूड। मैं जब तक, मेरे पास बहुत वोकैबुलरी होती थी क्योंकि मैं बहुत सीखता था, बहुत ट्रेनिंग अटेंड करता था। आजकल तो मैं केवल इंट्यूशन से करता हूँ, अब तो मेरे पास किताब पढ़ने का टाइम ही नहीं है, मतलब सीखने का भी टाइम नहीं है। अब केवल मैं कहीं पढ़ने की, अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है गुरुदेव। नहीं, वो ठीक है, लेकिन इंट्यूशन से या इधर उधर से मदद लेनी पड़ती है। लेकिन बहुत लाजवाब ट्रेनिंग रही आज की, वाकई इंस्पिरेशन। और जो आपकी वोकैबुलरी है, मतलब बड़े बड़े दिग्गज फेल हो जाते हैं उस वोकैबुलरी के आगे। और रियली थैंक यू सो मच सर। प्रणाम। हमारी मीटिंग भी चालू कर दें, हमारी 9 बजे की मीटिंग के लिए। हाँ, आपकी चालू कर दी है मैंने मीटिंग। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बैक टू बैक मीटिंगें चल रही है जी, सब आज सभी सर। अब आपकी इजाजत हो, हम यहीं पर इस प्रोग्राम, बिल्कुल 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 बिल्कुल, और सभी साथी इस मीटिंग को वापस दोबारा सुन के नोट्स बना लें, ताकि उनके जीवन में भी, और एक संकल्प करेंगे एक दिन मुझे भी आत्मराम जी की जगह पर आना है। इस जूम आईडी पर तो नहीं है गुरुदेव, इस पर तो मैं नहीं, दूसरी पे है, इसको बंद कर, नहीं नहीं दूसरी है। आरसी एंड द ड्रीम वर्ल्ड, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।